हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राशिद अली है और मेरे स्मार्ट टेक आर चैनल पे आपका स्वागत है। मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आया हूँ। आज हम भारत बेंज की 3723 यानी कि 3723 एक मॉडल है। इस मॉडल के अंदर हमने एक मल्टी ब्रांड जेल्टस स्कैनर का हम यूज़ करेंगे और देखेंगे कि इस गाड़ी के अंदर कौन कौन से एरर कोड क्रिएट होते हैं और इस स्कैनर के थ्रू हम क्या क्या चीज़ चेक कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, कमेंट बॉक्स में आते हैं, एरर कोड लिस्ट आते हैं। तो गाइस, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा। हमने एक ऑनलाइन ट्रेनिंग मॉड्यूल रिलीज़ करने वाले हैं हम जल्दी, जिसमें हम 28 घंटे की ट्रेनिंग देंगे, जिसमें हम 4500 रुपये का चार्जेस लेंगे। 28 घंटे के 4500 रुपये चार्जेस। इसके अंदर हम लोग इसके अंदर अशोक लीलैंड, भारत बेंज, टाटा और हम आयशर का कम्प्लीटली एरर कोड के ऊपर ही हम ट्रेनिंग देने वाले हैं। उसमें जितना भी एरर कोड गाड़ी के अंदर आते हैं, उन एरर कोड पे आपको क्या क्या काम करना चाहिए, इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम्स कैसे चेक करना चाहिए, वोल्टेज कैसे चेक करना चाहिए, तो उस तरीके की ट्रेनिंग हमने एक मॉड्यूल बनाया है जो कि 28 घंटे का मॉड्यूल है। इसके अंदर आपको पर हेड 4500 रुपये चार्जेस रहेंगे। उसके वो ट्रेनिंग मॉड्यूल हम जल्दी ही रिलीज़ करने वाले हैं और हमारा नोटिफिकेशन जल्दी ही आने वाला है। हम लोग उसको कुछ काम कर रहे हैं। तो लेकिन आज हम जो बात करेंगे, भारत बेंज की 3723 मॉडल्स के बारे में और हम मल्टी ब्रांड स्कैनर के थ्रू हम लोग ये गाड़ी को चेक करेंगे। अगर आपको स्कैनर का रिक्वायरमेंट है, स्कैनर चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना नंबर दीजिए। आपको वैल्यूएबल प्राइस के साथ में आपको ये स्कैनर प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलते हैं, देखते हैं आगे। ये हमने गाड़ी में कनेक्ट कर रखा है और ये वायरलेस है। इसमें वायरलेस भी है, USB केबल है। अभी हमने ब्लूटूथ से कनेक्ट कर रखा है डिवाइस। जैसे कि डिवाइस आप ये देख रहे हैं, ये डिवाइस इधर लगी हुई है और ये इधर आप USB केबल लगा के लैपटॉप में लगा सकते हैं। पर हमने क्या कर रखा है, हमने ब्लूटूथ से इसको कनेक्ट कर रखा है। तो अभी मैं आपको आज हम जो है कुछ ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। हम सिर्फ आज बताएंगे कि भारत बेंज के अंदर कितने इश्यूज होते हैं और कितने इश्यूज को हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं। तो गाइज, अभी हम लोग ट्रक सेगमेंट में हैं। ये गाड़ी ट्रक है। ट्रक सेगमेंट में जाने के बाद अभी भारत बेंज में हमने सेलेक्ट किया है। यहाँ पे भारत बेंज में सेलेक्ट करने के बाद अभी हमने बोला 3723, यानी कि 3723 में हमने गाड़ी को यहाँ पे 3723 ले लिया है। गाड़ी के अंदर अभी देखेंगे, गाड़ी के अंदर आप ये देखेंगे कि इतने सारे इश्यूज आप देख रहे हैं, इतने सारे इश्यूज दिखा रहे हैं। ABS, FR, INS, MR और SCR। MR जो होता है ECU बोलते हैं, इंजन मैनेजमेंट सिस्टम होता है। INS इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये भी एक ECU है। और FR जो होता है वो इस साइड में लगा होता है, CPC ऊपर की साइड में लगा होता है, जिसमें व्हीकल टू इंजन कनेक्टेड रहता है। और ABS एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम होता है ये। तो गाइज, हम आज पांचों ECUs को चेक करेंगे और देखेंगे कि इस ECU की मदद से क्या क्या फंक्शन हमको देखने को मिलते हैं स्कैनर के थ्रू। अभी हम ABS को चेक कर रहे हैं। तो ABS को हमने ये देख रही है, देखिए आपके इस ABS ECU के अंदर कितना सारे फीचर्स इसमें आते हैं। डायग्नोसिस, एरर क्लियर करने का सिस्टम, डेटा चेक करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए, एक्चुएटेड कंपोनेंट्स करने के लिए, पैरामीटर्स के लिए और डेटा रिकॉर्ड्स के लिए। तो हम लोग क्या धीरे धीरे एक एक पॉइंट्स को सिर्फ ओपन करेंगे और देखेंगे। अभी हम डायग्नोसिस में देख रहे हैं कौन कौन से एरर कोड इस ABS सिस्टम के अंदर शो कर रहे हैं। तो अभी आप देख रहे हैं ये इतने सारे एरर कोड हैं ये स्टोर में। अभी आपको मैं बताना चाहूँगा, रेड मार्क का मतलब होता है प्रेजेंट एरर कोड और ग्रे मार्क का मतलब होता है नॉट प्रेजेंट एरर कोड। और आप देखेंगे अदर एरर कोड, यानी कि येलो कलर का जो एरर कोड आएगा, जो अपने अदर एरर कोड आएगा येलो कलर में, अदर एरर कोड आएगा जिसका अनडिफाइंड, जिसको बोलते हैं अनडिफाइंड एरर कोड। तो गाइज, ये इसमें एरर कोड है, ये स्टोर एरर कोड है। गाड़ी में कुछ व्हील ग्रीसिंग हुआ होगा या कुछ फ्रंट एक्सल रिमूव हुआ होगा, रियर एक्सल रिमूव हुआ होगा, इस तरीके से सेंसर को बाहर किया होगा, ओपन सर्किट किया होगा, या तो इस तरीके से ये स्टोर एरर कोड है। तो स्टोर एरर कोड को हम यहाँ से भी क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमने इधर क्लियर कर दिया है। तो ये आप देख रहे हैं, ये क्लियर कर दिया है इसको हमने। अभी हम लोग इसमें FR में जाएंगे। FR में जाने के बाद इसको CPC बोलते हैं।
तो अभी FR में जाने के बाद ये डायग्नोसिस, मेजरमेंट, कैलिब्रेशन, एरर क्लियर, एक्चुएट कंपोनेंट्स, डेटा रिकॉर्ड, सिस्टम चेक और पैरामीटर। अभी इसमें एरर डायग्नोसिस में एरर कोड आएंगे, इसमें एरर कोड क्लियर कर सकते हो। सिस्टम में क्या होता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का पार्ट नंबर्स आते हैं। मेजरमेंट में आप ये देख लीजिए, मेजरमेंट एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन इसके अंदर है जो बहुत ही यूज़फुल है भाई, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आप इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको नॉलेज है कि वो उसके वैल्यूज़ कितना होना चाहिए कितना नहीं। ये इधर आपको इस तरीके के इंजन टॉर्क वैल्यू, जैसे मैं एक्सेलेटर का पेडल अभी मैंने दबाया है तो कुछ वैल्यूज़ में चेंजेस आना शुरू हो गई, आप देख रहे हैं ना ये। तो इस तरीके से आपको ये आपको देखने को मिलेगा। बहुत मेजरमेंट जो सिस्टम है, लाइव डेटा बहुत बेहतरीन चीज़ है ये, इसमें से बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। देखिए एक्सेलेटर पेडल प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर एक्सेलेटर का पेडल मैंने अभी दबाया था, अभी पेडल बिल्कुल हटा रखा है, पेडल में जो दबा रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि रेंज लाइव डाटा आपको देखने को मिल रहा है। पर यही चीज़ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर आपको आपका सिस्टम प्रॉपर वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये आप लाइव डाटा में मेजरमेंट में जाके चेक कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी वैल्यूज़ इसके अंदर आती है, तो वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए ज़्यादा हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे। एक्चुएट कंपोनेंट्स में आप एक्चुएट कंपोनेंट जैसे सोलोनाइड वॉल्स लगे होते हैं उनमें रिवर्स रिले वगैरह लगी होती हैं, आप इसमें चेक कर सकते हैं कि ये प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे मैं एक रिवर्स का अभी आपको करके दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर ये एक्चुएट हो गया है। तो यहाँ पर एक बज़र होगा, पीछे की रिवर्स लाइट जल गई होंगी और एक बज़र होगा, टू टू बोलेगा, तो इसका मतलब ये एक्चुएट सिस्टम प्रॉपर काम कर रहा है। यहाँ पर आप इंजन एग्जॉस्ट ब्रेक भी आप चेक कर सकते हैं, स्प्लिटर वॉल भी चेक कर सकते हैं, इसलिए इसको एक्चुएट कर सकते हैं। एक्चुएट आप ये चेक कर सकते हैं सही पार्ट से या ख़राब पार्ट से। और इसमें पैरामीटर्स होते हैं, पैरामीटर्स ये डिस्प्ले पैरामीटर्स हैं। इसमें आप जो है इंजन का पैरामीटर्स आ गए हैं, यहाँ पर व्हीकल पैरामीटर्स आ गए हैं, स्पीड लिमिट, क्रूज़ कंट्रोल्स। अभी मैक्सिमम काफ़ी इसमें पैरामीटर्स अवेलेबल्स नहीं है, बहुत सारे पैरामीटर्स का रिक्वायरमेंट है इसके अंदर भी अभी सिस्टम के अंदर, जो कि अपडेट नहीं है और हो सकता है वो आपके अपडेट होके आए। तो ये आप पैरामीटर्स हैं, इसमें अपने आप पैरामीटर्स को चेंज कर सकते हैं गाड़ी के हिसाब से, कि अगर गाड़ी अगर PTU का सिस्टम है तो आप टिपर, अगर टिपिंग आपने अपनी गाड़ी को टिपिंग सिस्टम बना रखा है, रिजिड गाड़ी को टिपर बना दिया है, तो आप उसका भी पैरामीटर पावर टेक ऑफ पैरामीटर से ये आप चेंज कर सकते हैं। स्पीड को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, RPM को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो इसके अंदर शो कर रहे हैं। तो इसमें अभी कैलिब्रेशन है, जैसे एक्सेलेटर पैडल का कैलिब्रेशन हो गया, फैन का हो गया, W सिग्नल का हो गया, एडेप्शन टू क्लच पोजीशन का हो गया, स्प्लिटर का ये कैलिब्रेट कर सकते हैं। एक्सेलेटर पैडल को पुराने को निकाल के नया पैडल लगाना है, उसको कैलिब्रेशन करना है, ये सब कैलिब्रेशन में आपको ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो इसमें CPC में चेक करने का तरीका, CPC में इतना ही सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। बात करेंगे INS में देखते हैं क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। तो ये INS के अंदर एक एरर आ रहा है, तो INS के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होता है इसके अंदर आप कोड चेक कर सकते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पे एरर को शो कर रहे हैं, प्रेशर सेंसर सिग्नल एंट्रेंस इन सर्किट ब्रेक टू अंडर द ऑफ लोअर लिमिट, ये इस तरीके से एरर कोड इसके अंदर शो कर रहे हैं। तो ये प्रेशर सेंसर ख़राब होने की एक एयर प्रेशर सेंसर होते हैं जो टैंक में लगे होते हैं, उनका प्रॉब्लम भी हो सकता है, वायरिंग का प्रॉब्लम भी हो सकता है, उस तरीके से ये चीज़ में दिखेगी। लेकिन अभी यहाँ पर हम बात करें एक चीज़, यहाँ पे मेजरमेंट वैल्यूज़ वगैरह का ऑप्शन अवेलेबल्स नहीं है, ये जल्दी ही मतलब अपडेट होकर जो नया नेक्स्ट वर्जन आएगा तो उसमें ये सब चीज़ देखने को मिलेंगी। ये भी हमने MR को कनेक्ट किया है, MR के अंदर इतने सारे ऑप्शन, डायग्नोसिस, एरर क्लियर, सिस्टम मेजरमेंट, एक्चुअल कंपोनेंट्स, सिस्टम चेक्स, पैरामीटर्स, मेंटेनेंस, डाटा रिकॉर्ड। अभी आपने ये चीज़ तो सारा समझ ही लिया होगा, हमने इतनी देर से समझा रहे हैं, डायग्नोसिस हो गया, एरर रिकॉर्ड क्लियर हो गया, सिस्टम रिकॉर्ड हो गया, मेजरमेंट हो गया, एक्चुअल कंपोनेंट्स हो गया, सिस्टम चेक हो गया। सिस्टम चेक में क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। सिस्टम चेक के अंदर सिलेंडर कंप्रेशन, आप इंजन का कंप्रेशन चेक कर सकते हैं, सिलेंडर का बैलेंस चेक कर सकते हैं, जो इंजेक्टर होता है स्मूथ रनिंग जिसको बोलते हैं वो चेक कर सकते हैं, सिलेंडर कंप्रेशन चेक कर सकते हैं, जो सिलेंडर कितने समय में अपना जो स्टॉक पूरा कर रहा है वो टाइमिंग आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, मैन्युअली सिलेंडर को कट ऑफ कर सकते हैं आप इसको,
और ये इन्वर्शन टेस्ट कर सकते हैं, फ़ैन रेगुलेटर कर सकते हैं यहाँ से, जो इलेक्ट्रॉनिक फ़ैन चेक कर सकते हैं यहाँ पर। ये सारा जो है आप इसमें आपको देखने को मिलेगा सिस्टम चेक्स में। और ये गाड़ी BS3 है, अगर BS4 होती तो एंटी पोल्यूशंस वाली पैरामीटर्स भी आपको चेक कर सकें। डोजिंग सिस्टम जो होता है वो भी इसके अंदर अवेलेबल होगा अगर BS4 गाड़ी होती है, क्योंकि सिस्टम अपने जब हम गाड़ी में कनेक्ट करते हैं तो सिस्टम ने ऑटोमेटिकली इसको BS3 गाड़ी है तो BS3 वाला डेटा इसके अंदर ले लिया है। तो इसलिए आप यहाँ पर इसी ऑप्शन के अंदर आप AdBlue को डोजिंग भी करा के देख सकते हैं। ये पैरामीटर्स ऑप्शन है, यहाँ पे आप पैरामीटर्स में देख लीजिए, यूनिट पंप वगैरह का नंबर वगैरह चेंज करना होते हैं यूनिट पंप वगैरह के, और भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जैसे स्टार्टर टाइप चेंज करना है, गियर सिग्नल्स हो गया, ये सब बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो आप अकॉर्डिंगली व्हीकल के हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं, जैसे रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से आप पैरामीटर्स को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ऑयल, स्टार्टर इंजन, सर्विस रेंज और क्रैंक केस, रिप्लेसमेंट यूनिट पंप। ये रिप्लेसमेंट यूनिट पंप में आप जाएंगे तो यहाँ पर अपना पासवर्ड डालने के बाद और आप जो है यूनिट पंप के नंबर, जो यूनिट पंप का नंबर यूनिट पंप के ऊपर प्रिंटेड होगा वो नंबर आप डाल के भी आप यूनिट पंप को रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये आज जो भारत बेंज की गाड़ी है उसके अंदर हमने ये चीज़ देखी है कि ABS के कितने इश्यूज़ होते हैं, 5 इश्यूज़ होते हैं, ABS, INS, CPC, MR और SCR, ये 5 इश्यूज़ भारत बेंज की गाड़ी के अंदर लगे होते हैं BS4 में, पर BS3 में जो है 4 इश्यूज़ होते हैं, INS, ABS और MR और CPC, ये 4 इश्यूज़ लगे होते हैं BS3 के अंदर। तो यहाँ पे एक FR में कुछ ये आप देख रहे हैं 1120 का एक कोड आ रहा है जो कि अल्टरनेटर रिलेटेड कोड होता है, अल्टरनेटर से रिलेटेड कोड होता है ये कोड। तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स नहीं है तो ये इसमें अल्टरनेटर से रिलेटेड कोड इसमें आ रहे हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर वीडियो को शेयर कीजिए। अगर कुछ नया वीडियोस, कुछ नया डायग्नोसिस टूल्स में कुछ नया सीखना है, कुछ रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए ताकि हम उसको अपडेट करवाएं। लाइक कीजिए, थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर दिस।